बहुत सारे लोगों को भी। फिर आगे हम लोग उन लोगों की तरह इस तरह करते करते सोचे किए, फीलिंग दिए, मीन दिए, इंटरव्यू दिए, फिर जाकर इतना इतना लंबा सफर है। लेकिन आप उन लोगों को इतना लंबा सफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सुनने में से पहले जो तुम्हारे रहनुमा है उन्होंने सारे मुश्किल रास्ते देख लिए, अब उन लोगों के लिए ज्यादा आसानी आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज क्या है, इसमें कितने टाइप के सिविल सर्विसेज के अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो सबसे पहले बात यूपीएससी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका काम होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करना। और पहली चीज क्लियरली बता दूं मैं, इस एग्जाम में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मैं क्लियरली बता मेरा पूरा करूंगा। मैं एग्जाम में इंटरव्यू में ऐसी गाड़ी के साथ गया, ठीक है, मेरी फ्रेंड थी, हमारा नाम उसका औरंगाबाद से, वो हिजाब में गई थी, कोई मसला नहीं है, ठीक है, अभी से क्लियर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होगा आपको। लेकिन ये हमारे एक माइंडसेट रहेगा, सर गाड़ी लेके तो क्या मसला है, हिजाब के अंदर जाए तो क्या मसला है, वो कोई मसला नहीं है, उसके लिए भी बात मैं आपको बता दूंगा। तो ये एक बॉडी का काम क्या होता है, एग्जाम कंडक्ट करे जो मेरिट पर सिलेक्शन करा कर दे, ठीक है, तो क्लियरली वो मेरिट देखती है किसी भी कैंडिडेट को। और उसके साथ साथ क्या है, ये सिविल सर्विसेज में हमारा जो कंट्री है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, और इस एग्जाम में हिस्सा लेने वाले एक बहुत बड़े घराने से पढ़ा हुआ, तालीम याफ्ता, बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, और छोटे से गांव से, छोटे से शहर से गरीब का लड़का पढ़ा हुआ वो भी होता है। अब वो दोनों इक्वल कैसे हो जाए, अपने आप में चल रहे ना, जो हमेशा आज तक देहात में पढ़ा और वो यूपीएससी गया, और जो हमेशा एसी के रूप में एसी के क्लासेस में पढ़ा वो भी एग्जाम लिया, तो फिर भी यूपीएससी का काम होता है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर और ऐसा पेपर बनाए कि ये दोनों भी इक्वल हो जाए। यूपीएससी इतना वहां पर बैलेंस बरकरार रखती है, ठीक है, तो पहली चीज यूपीएससी के नाम पर आपको कोई भी धब्बा भी नहीं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बॉडी है, यहाँ पर आपको इक्वली ट्रीट किया जाता है, आपके लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। अब सिविल सर्विसेज के लिए जो है नोटिफिकेशन आता है हर साल एग्जाम का, ठीक है, वो फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा हर साल, और यूपीएससी का एग्जाम हर साल होगा, फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा और फरवरी से ही फॉर्म लेना वो शुरू कर दे एक महीना, ठीक है, तो फॉर्म आएगा फरवरी एवरी ईयर। फिर उसके बाद होता है पहला स्टेप प्रीलिम्स, प्रीलिम्स होता है जून में, ठीक है, जून में होगा। अब प्रीलिम्स में क्या होता है, तो जो लोग फॉर्म सबमिट करते हैं उनकी एज 21 साल से ज्यादा और 32 ईयर से कम, ये एज है 21 to 32, ये एज लिमिट में जो भी है वो बच्चे फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई भी डिग्री आपके पास रहनी चाहिए, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप बीए हो, चाहे ओपन से हो या रेगुलर हो, एनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो 21 साल एज, एनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये दो चीजें आपके पास रहना चाहिए, उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम आप क्लियर करें। प्रीलिम्स कब होगा, प्रीलिम्स जून में, हाँ। तो अब वो जो फॉर्म सबमिट करने वाले बच्चे थे, कितने लोग फॉर्म सबमिट करते हैं पता है, तकरीबन 10 से 12 लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, 10 से 12 लाख लोग, 10 लाख एवरेज फॉर्म सबमिट करते हैं, कितने लोग, 10 लाख, ठीक है। अब उसके बाद जब जून में आता है प्रीलिम्स, तो वहां पर क्या होता है, यूपीएससी के लिमिट्स होते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिट होती है, तो जिसने अच्छी तैयारी नहीं की, टाइम पास को फॉर्म डाल दिया था, वो डंडा खाए तो मेरा अकाउंट हो जाएगा, वो एग्जाम को नहीं जाता। तो एक्चुअल एग्जाम में क्या होता है, 5 से 6 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। तो जून के महीने में कितने बच्चे अपीयर हुए, 5 लाख, ठीक है,
बाकी बच्चे यूरोपियन नहीं हुए क्योंकि देयर इज लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट। कोई भी जनरल कैंडिडेट जब होता है वो 6 अटेम्प्ट मैक्सिमम दे सकता है, कितने 6। तो वहां आप डाल सकते हैं और आपकी तैयारी आपको लगती है ठीक नहीं है और मेरा आगे फेस हो जाएगा तो यू शुड नॉट अपीयर, ठीक है, आपका भी बच जाएगा। तो ऐसा होता है कि 10 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, अपीयर होते हैं 5, मैक्सिमम आगे कितने हैं 6, ठीक है। अब वो 6, अब 5 लाख बच्चे प्रीलिम्स में बैठे, प्रीलिम्स में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप, कोई 4 ऑप्शन ए बी सी डी फिर उसको हम क्लिक करके आएंगे, ठीक है ये। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, सुबह में होता है एक दोपहर में होता है। जो सुबह में होता है उसको GS1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं GS1, और जो दोपहर में होता है उसको बोलते हैं CSAT, ठीक है। आज की डेट में जो दोपहर में पेपर हो रहा है उसको CSAT बोलते हैं और वो क्वालिफाइंग है, क्या है क्वालिफाइंग है। उसमें आपको क्या करना है 33% मार्क्स लाना है, कितने 33%। तो दोपहर के पेपर में अगर आप 33% मार्क्स लाते हैं तो सुबह का पेपर आपका चेक किया जाएगा, अदरवाइज नहीं करते। तो फिर अब जो सुबह का पेपर था वो सुबह के पेपर में 200 मार्क्स होते हैं, 100 क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स, तो 200 वो मार्क्स होते हैं। उसमें से अगर कितने मार्क्स लाना पड़ता प्रीलिम्स क्वालीफाई करने को, कोई बोल सकते हैं प्रीलिम्स क्वालीफाई करने को एवरेज कितने मार्क्स लाना चाहिए? हाँ, आजकल का जो कटऑफ जा रहा है अराउंड 50%, 51%, यानी 100 मार्क्स।